गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज दिन है फ्राइडे और मैं यहाँ पे जो है रात में 3 बजे वापस आई थी। कल थर्सडे था तो मैं गई थी खाटू श्याम और बालाजी। तो रात को 3 बजे वापस आई तो सुबह सभी लोग लेट उठे, मैं भी लेट उठी। तो फिर मैंने नाश्ता नहीं बनाया, नाश्ते में मैंने सबको फ्रूट चाट दे दी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल बनाई है और कटहल की सब्जी बनाई थी और चावल और रोटी, और सब लोग खा चुके हैं। उसके बाद ये है मेरा खाना, मैं अपने लिए लेके आई हूँ। दाल सब्जी रोटी और चावल है। और उसके बाद कल जो मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ से ये थोड़ा सा लेके आई थी, कुछ खास नहीं। मंदिर के आसपास आप लोग जानते हैं कि सिर्फ पूजा की ही चीज़ें मिलती हैं, भगवान की ही चीज़ें मिलती हैं। तो ये मोर के पंख हैं और ये प्रसाद है, ये प्रसाद था। और एक आध आइटम दीक्षा ने लिया है, जैसे कि मेहंदी ली है दीक्षा ने, और ये तो प्रसाद है एक बालाजी का और खाटू श्याम जी का, दोनों जगह का प्रसाद है ये। और ये हैं झंडे खाटू श्याम के मंदिर के, वहाँ से चढ़ाते हैं और फिर सब लोग ले भी जाते हैं, अपनी अपनी छत पे लगाते हैं। तो मैं भी ले आई। और ये है कुछ मेहंदी है और शायद ये दो चुन्निया लेके आई है दीक्षा, ये क्रीम कलर की है, इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही है। और एक दूसरी है वो है ब्लू कलर की, ये है ब्लू कलर की, तो इसमें थोड़ा सा मिरर वर्क हो रहा है। और साइड में शायद थोड़ा सा छोटे छोटे घुंघरू भी लगे हैं। और दीक्षा लाई थी ये एक जोड़ी कंगन, और ये है एक मटकी वाला पर्स, तो मटके के आकार में होता, पोटली पोटली के आकार में जो होता है। और बस ये है मंदिर के आसपास, और तो कोई वैसी खास चीज़ मिलती भी नहीं है, बस पूजा से ही रिलेटेड सब चीज़ मिलती है। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं रजनी आपका वेलकम करती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ अपने चैनल में, जिसका नाम है रजनी लाइव ब्लॉग्स। और मैं रात में 3 बजे वापस आई थी तो सुबह खाना पीना बना के सो गई, खा के। और सोते सोते ये समझ लीजिए आप कि मैं 6 बजे उठी हूँ, शाम को 6:30 बजे। काफ़ी अच्छी नींद आ गई क्योंकि थकान थी, तो 6:30 बजे उठी। उसके बाद जो प्रसाद वगैरह निकाला जो भी था, और अब बर्तन धुल के आई हूँ और अब बनाऊंगी खाना। तो खाने में मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की बड़ी, आलू की सब्जी और रोटी। ये हैं सोयाबीन की बड़ी, इनको कि मैंने भिगो दिया है तो इनकी बनाऊंगी सब्जी। और मैं आज थर्सडे को गई थी बालाजी और खाटू श्याम, थर्सडे को गई थी तो थर्सडे को मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पाई थी। और थर्सडे को हाँ, कोई एडिटिंग नहीं कर पाई थी, कोई ब्लॉग नहीं आया। और फ्राइडे को भी ब्लॉग जो आया है वो आया है वेडनेसडे वाला, और थर्सडे वाला जो मैं गई थी वो वीडियो आपको मिलेगी सैटरडे को, यानी कि क्योंकि चले जाने के कारण एडिटिंग नहीं हो पाई तो एक दिन लेट जो है आपके पास पहुंचती है वो सैटरडे को पहुंचेगी थर्सडे वाली, और फ्राइडे वाली पहुंचेगी आपके पास संडे को। तो चलते हैं, पहले खाना बना लेते हैं, टाइम काफी हो चुका है क्योंकि आज सोती रही सारा दिन मैं, तो पहले खाना बना लेती हूँ। और घमू की वीडियो पर निगेटिव कमेंट करने वाले, यानी कि निगेटिव का मतलब ये है कि आप
सुलह कर लीजिए या फिर बच्चों का भविष्य आप अलग रह के बिगाड़ देंगी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आज की वीडियो घम की देखी या नहीं देखी, यानी कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे की को जो उन्होंने वीडियो शेयर की है वो देखी या नहीं देखी। नहीं देखी तो देख लीजिए, रिकॉर्डिंग जो उन्होंने डाली है, मतलब किस तरीके से उनके हस्बैंड हर समय गालियां देते हैं। तो मतलब इस तरह के माहौल में क्या बच्चों का भविष्य बन सकता है ना? तो जिस पे बीतती है ना वही जानता है उनको क्या करना है, वो खुद समझदार है। तो उनके बच्चों का भविष्य जो वो बना लेंगी अकेले में रह के, वो उनके हस्बैंड के साथ में नहीं है। तो इसलिए आप इस तरीके के कमेंट ना करें। वो अपना अच्छा और बुरा जानती हैं, पढ़ी लिखी हैं, सर्विस वुमेन हैं, और सब कुछ उनको मतलब मालूम है कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप जाके रिकॉर्डिंग सुने और तब सोचें, है ना? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि घमूची, आप बिल्कुल जो आपने डिसीजन लिया है सही लिया है, और अपने फैसले को बिल्कुल मत बदलिएगा। आपके बच्चों का भविष्य आपके अकेले रहने में जो आप बना पाएंगी वो हस्बैंड के साथ रहने में नहीं बना पाएंगी। घर का माहौल हर समय जब खराब हो तो कोई सवाल नहीं है जो बच्चों का भविष्य बन जाए। तो मैं यही कहूंगी आपसे कि आप उनसे डिवोर्स ही लीजिए और अलग रहिए, और जीत आपकी होगी। देखिए, सत्य सत्य जो होता है, मतलब टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन जीत जो है सत्य की होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो आप हिम्मत मत हारिएगा, और सभी आपके सपोर्ट में हैं। तो प्लीज आप जो है लड़ें और जीतें, और आगे की अपना आगे का जो आगे की जिंदगी जो है, आगे की लाइफ जो है, एंजॉय करें। तो ये है हमारा शाम का आज खाना, सोयाबीन की सब्जी ये बन रही है, और ये बन चुका है बूंदी का रायता, ये देखिए तैयार हो चुका है। तो ये है आज का हमारा डिनर, और इस रोटी बनना भी बाकी है, आटा भी लग चुका है, ये देखिए। तो खाना भी हमारा रेडी हो गया, और सबने खा भी लिया है, और काम सारा फिनिश हो चुका है। और कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, नवरात्रि की शुरुआत है कल से। तो हैप्पी नवरात्रि एडवांस में सबको, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।